दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया है। राजधानी में कोरोना वायरस के संकट के बीच केजरीवाल सरकार ने डीजल का दाम घटाने का फैसला किया है। दिल्ली में 16% वैट हटाया जाएगा। केजरीवाल सरकार की इस राहत के साथ ही दिल्ली में अब डीजल के दाम में 8.36 रुपए तक की कमी आएगी। दिल्ली सीएम ने कहा कि दिल्ली में अभी 82 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से डीजल बिक रहा है, अब 30% से घटाकर 16% वैट कर दिया गया है। दिल्ली में डीजल के दाम काफी ज्यादा थे अभी तक। दिल्ली में डीजल अभी 82 रुपए, कल का जो दिल्ली में डीजल का रेट है वो 82 रुपए था। आज दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि दिल्ली में डीजल के ऊपर वैट के रेट 30% से घटा के 16.75% कर दिए जाएंगे। तो काफ़ी बड़ी रिडक्शन की जा रही है। इससे दिल्ली में डीजल के दाम 8.36 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएंगे। साथ ही ये भी ऐलान किया कि लगातार कारोबारियों और फैक्ट्री वालों ने उनसे इस बात की अपील की थी। ऐसे में अब सरकार की ओर से ये राहत दी जा रही है ताकि दिल्ली में कामकाज शुरू हो सके। तो मैं सभी दिल्ली के जितने व्यापारी हैं, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सबसे अपील करता हूं कि आइए सब लोग मिलके दिल्ली की अर्थव्यवस्था को फिर से एक बार पटरी पे लाते हैं। मैं सभी दुकान वालों से अपील करता हूं, व्यापारियों से अपील करता हूं कि अपनी अपनी दुकानें खोलें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें और मास्क पहन के रखें। लेकिन अब अपना कामकाज हम सब लोग शुरू करते हैं, इंडस्ट्री वाले इंडस्ट्री खोलें और आने वाले दिनों के अंदर मैं इंडस्ट्री के लोगों से, व्यापारियों से बड़ी संख्या में मिलने जा रहा हूं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संकट और लॉकडाउन के बीच देश में कई दिनों तक लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई थी। इस बीच दिल्ली में डीजल ने पहली बार 80 रुपए का आंकड़ा पार किया था, जिस पर काफी विवाद भी हुआ था। लेकिन अब राज्य सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है जो दिल्ली वालों के लिए राहत दे सकता है।